हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कैनवा का यूज प्रोफेशनल और स्टूडेंट कैसे करते हैं उसके बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे पूरा दिखाती हूँ कि स्टूडेंट और प्रोफेशनल कैनवा प्रीमियम टूल का किस तरह से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको टेम्पलेट पे ले जाते हैं। टेम्पलेट के अंदर आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस दी जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है, पर्सनल के अंदर आपको कोई कार्ड्स बनाने हैं या इनविटेशंस बनाने हैं, उसके बाद बिजनेस रिलेटेड किस तरह का आपको इनविटेशन कार्ड बनाना है या बिजनेस का विजिटिंग कार्ड बनाना है, या फिर आपको लोगो वेबसाइट के बैनर्स बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे है मार्केटिंग, मार्केटिंग पर्पस के लिए आप कौन कौन से डिज़ाइन ग्राफिक्स के कर सकते हो। उसके बाद एजुकेशन के लिए मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं प्रेजेंटेशन बनाने में, तो आज मैं आपको वो भी बताऊँगी कि प्रेजेंटेशन आप कैनवा में किस तरह से रेडी कर सकते हो। उसके बाद ट्रेंडिंग में जो भी आपको बनाना होता है, नई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइनिंग होती है, वो सारी डिज़ाइनिंग मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी आज के वीडियो में। तो हम बात कर रहे हैं अभी रेज्यूम के बारे में। तो अगर आपको रेज्यूम बनाना है तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको रेडी टेम्पलेट मिल जाएंगे। तो रेडी टेम्पलेट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे सीवी बनाने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सीवीज के ऑप्शंस है जो अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग वेराइटीज में दिए गए है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। और ब्लैंक का भी है, तो ब्लैंक का पूरा आपके पास फॉर्मेट मिल जाएगा, उसके अंदर भी आप आपकी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे एक सीवी सिलेक्ट करते हैं जिसमें काफ़ी कम डिटेल हो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। जैसे ये वाला है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं कस्टमाइज करके, ओके। तो ये सीवी का फॉर्मेट यहाँ पे ओपन हो गया है। अब ये फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ पे आपका नाम डाल सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रोफाइल यानी आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हो, किस तरह से आपको जॉब में अपडेट करना है आपके सीवीज के अंदर, वो डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे एडिटेबल होती है, तो आपको डिज़ाइन वगैरह चेंज करने हैं तो आप यहाँ से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, पूरे कलर में यहाँ जाके कलर चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका फ़ोटो चेंज करना है तो आप फ़ोटो भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह आप एडिटेबल है, तो वहाँ जाके आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद हर एक डिटेलिंग पे अलग अलग बॉक्स होते हैं, तो वो डिटेल्स आपको ऐड रिमूव करनी है बेस्ड ऑन योर पर्सनल डिटेल्स जो सीवी में आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पे इस तरह से आप ऐड करके पूरा आपका सीवी बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ मेरा नाम, और यहाँ पे मैं प्रोफाइल में लिखती हूँ तो इस तरह से हम पूरा एडिट कर सकते हैं अपनी डिटेल्स वगैरह, फिर पूरा का पूरा एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। जैसे आपका सीवी रेडी हो जाता है, फिर यहाँ आपके पास डाउनलोड में काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे लाइक PNG है, JPG है, या फिर आपको PDF में चाहिए तो आप PDF में भी आप डाउनलोड कर सकते हो आपका सीवी। तो मैं आपको एक डाउनलोड करके बताती हूँ कि किस तरह से आपका सीवी आप देख सकते हो पूरा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह से पूरा सीवी बनता है, और आप उसको PDF में डाउनलोड करके जहाँ पे भी आपको अपलोड करना है या जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो इस तरह से पूरा आपका सीवी आपके पास आ जाएगा, ताकि आप उसको देख के पूरा PDF को कहीं पे भी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये था स्टूडेंट के लिए जो सीवीज फ्रेशर होते वो बनाते हैं, और एक्सपीरियंस को भी उनका सीवी अपडेट करना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप सीधा आपकी डिटेल्स कॉपी पेस्ट करके आपको जितना भी अट्रैक्टिव सीवी बनाना है वन पेज में आप बना सकते हो। तो मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ PPT के बारे में। तो कैनवा में ये भी बहुत अच्छा है, इन लोगों ने फीचर्स दिया है PPT के लिए। तो PPT में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को और मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल होते हैं, इनको भी बहुत बार पिच रेडी करनी पड़ती है, तो वहाँ पे चैलेंजेस आते हैं कि उसमें डिज़ाइनिंग और टेम्पलेट रेडी मिल जाते हैं तो काम और ईजी हो जाता है।
तो मुझे भी जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे भी ये चैलेंज आते ही थे कि बहुत कम ऑप्शंस मिलते थे स्लाइड्स के अंदर। तो कैनवा ने इंट्रोड्यूस किया था ये वाला फीचर पीपीटी का, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाती हूँ किस तरह से आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आपको सिर्फ आपकी डिटेल ही डालनी है, जैसे डिटेल डाल देते हो फिर आपकी टैबलेट्स तो रेडी मिल जाती है, तो उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सीधा डाउनलोड कर दो डिटेल ऐड करके। तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ यहाँ पे स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के लिए एक, जो प्रोफेशनल को हेल्प होता है। स्टूडेंट को कभी इस तरह के प्रोजेक्ट्स रिलेटेड लिखना होता है, कुछ मार्केटिंग प्लान बनाना होता है, तो उसके लिए ये वाली पीपीटी काफी हेल्पफुल हो जाती है। सो यहाँ पे तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिल ही जाएंगे, तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, आपका लोगो ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल भी पीपीटी में ऐड कर सकते हो, और इसमें स्लाइड्स भी हर ऐड हो जाती है, और उसके बाद उसको आपको वीडियो में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे हमारी स्लाइड ओपन होती है तो स्लाइड भी वन बाय वन होती है, जैसे प्रेजेंटेशन में जैसे होता है एमएस ऑफिस में, इसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी मिल जाती है उसकी सारी ऑप्शंस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी लिखा है, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा है, तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिख देते हैं। तो जैसे कंपनी का हमने नाम लिख दिया, तो ये हमारी कंपनी का नाम, हम यहाँ पे सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास और आ गई, तो सेकेंड हम इस तरह की स्लाइड ले सकते हैं जिसमें हमारा आउटलाइन लिखना है, जो भी लिखना है यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अगेन हमारी कंपनी का नाम लिख देते हैं ताकि अब आइडिया आ जाए कि किस तरह से हमारी पूरी पीपीटी में जो हमारी कंपनी का नेम है वो हमारी ब्रांड स्ट्रेटेजी बनी रहे। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट है, अगर आपको ये कंटेंट यूज करना है तो आप कर सकते हो, आपको लगता है कि आपको कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो। बट हाँ, कैनवा की सबसे अच्छी चीज यही होती है कि इसमें कंटेंट भी वो लोग रेडी दे देते हैं, तो आपको काफी बार ढूंढने की भी जरूरत नहीं होती, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और उसको भी मॉडिफाई करके डाल सकते हो, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड को ऐड कर देते हैं। तो ऐसे आपके पास काफी स्लाइड के ऑप्शन जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, तो वन बाय वन येलो और ब्लैक कलर जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस तरह से आप अल्टरनेट कलर भी ले सकते हो, पूरी येलो थीम में भी जा सकते हो, पूरी ब्लैक थीम में भी जा सकते हो। तो हमारी थ्री स्लाइड हो गई। उसके बाद मुझे यहाँ पे जाके उसको डाउनलोड करना है, तो मेरे पास ऑप्शंस है, स्टूडेंट्स को वीडियो प्रेजेंटेशन देना होता है पूरी पीपीटी को, तो आप पूरा वीडियो बना के भी आप डाउनलोड कर सकते हो पूरे पेजेस को मर्ज करके, और इसको यहाँ पे आपको जेपीजी में चाहिए और उसको मर्ज करके पीडीएफ में भी कन्वर्ट करना है, तो आप पूरी आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह से यूज कर सकते हो। जैसा मैंने यहाँ पे पूरा वीडियो फॉर्मेट में डाउनलोड किया है, ताकि जब स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट पर्पज के लिए मैं बता रही हूँ कि उनको जब देना होता है प्रेजेंटेशन तो इसी तरह से पूरे वीडियो में चलेगा। तो क्या है कि आप यहाँ पे वीडियो प्रेजेंटेशन चल रहा है तो इन बिटवीन आप आपकी डिटेल ऐड कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रेजेंटेशन जो स्टूडेंट्स और मार्केटिंग दोनों प्रोफेशनल के लिए बहुत हेल्पफुल कंटेंट के साथ इजी डिजाइनिंग मिल जाती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो का लास्ट पोर्शन, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आप कैनवा प्रीमियम का किस तरह से यूज करते हो। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको बताती हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट में आपके पास इंस्टाग्राम की स्टोरीज, पोस्ट, फेसबुक के आप कवर पेज बना सकते हो, फेसबुक की पोस्ट बना सकते हो, और यूट्यूब के चैनल के लिए आपको आर्ट्स बनाना है या उसका बैनर बनाना है, या फिर लिंक्डइन की आपकी प्रोफाइल है उसके ऊपर आपको बैनर बनाना है, तो यहाँ पे आपको रेडी टेम्पलेट मिल जाते हैं। तो मैं आपको एक का भी बता रही हूँ कि इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है फूड के लिए। अगर मुझे फूड के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो यहाँ से मैं एक फूड का सिलेक्ट कर लेती हूँ जो मैंने सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पे, और वैसे फूड देख के सबको मन लगता है ना खाने का, तो चलिए हम हमारी पोस्ट बनाते हैं किस तरह से बनानी है। तो मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड दिया है और फूड में नूडल्स फूड रखा है, और यहाँ पे कलर्स कॉम्बिनेशन भी अच्छे दिए हैं, पर आपको लगता है कि बैकग्राउंड आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप बैकग्राउंड पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो, पर मुझे चेंज नहीं करना, मुझे कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। और उसके साथ यहाँ पे ऑफ में 50% ऑफ है, आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी का ब्रांडिंग है तो इसको सिलेक्ट करके हम अपनी कंपनी का नेम लिख देते हैं, तो ये एक अपना काम हो गया। उसके बाद ऑर्डर नाउ की जगह पे आप कॉल नाउ भी लिखना है तो वो लिख सकते हो, ताकि डायरेक्ट आपको कॉल पे इंक्वायरी मिल जाए। उसके बाद आपकी कंपनी का लोगो डालना है तो आप डाल सकते हो, जैसे हमारा, मैं तो यूज करती हूँ तो मेरे पास मेरे लोगो यहाँ पे ऐड किए हुए हैं।
तो यहाँ पे मेरा लोगो आ गया, इसको मैं यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा एडजस्ट करके रख देती हूँ ताकि ये मेरा लोगो, इसमें तो कलर मैंने यहाँ पे मैंने आपको सेट कर दिया, देखो तो पूरी मेरी इमेज रेडी हो गई। 50% ऑफ फूड का नेम यहाँ पे आ गया, ये मेरी कंपनी का ब्रांडिंग के लिए जो लोगो था वो आ गया, ये मेरी कंपनी का नाम है और फूड डिलीवरी हमारी जो भी कंपनी है उसका नाम यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ और डिटेल्स डालने हैं तो आप डाल सकते हो, काफी सारा है। इमेजेस को आपको मॉडिफाई करनी है, यहाँ पे ऐसे इमेजेस को निकाल सकते हो, इस तरह से रख सकते हो, ये वाली डिजाइन है इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो कॉन्टेंट को भी। तो इसका सबसे अच्छा फीचर यही है कि सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है या फिर पूरा उसको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाता है ताकि उसके अंदर से आपको कुछ नया भी बनाना है तो बना सकते हो, एग्जिस्टिंग पे कंटेंट डाल सकते हो। तो इस तरह से बना के फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ये सारे ऑप्शंस है कि आपको GIF उसकी यूज करनी है या फिर उसका वीडियो बनाना है, उसमें कुछ वॉइस डालनी है या फिर PDF में आपको किसी क्लाइंट को मेल में डालना है या फिर एज यूजुअल JPG करके आप डाउनलोड करते हो। यहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन आता है कि आपको किस टाइप की क्वालिटी चाहिए और उसकी साइज में भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं रेफरेंस के, किस तरह से उसकी साइज चाहिए आपको, कौन से प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, तो इस तरह से यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे डाउनलोड हो जाते मैं आपको इमेज बताती हूँ किस तरह से आप यूज कर सकते हो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। यहाँ पे अपने पास पूरी इमेज अपनी डाउनलोड हो गई है, तो यहाँ इमेज पूरी देख सकते हो कि किस तरह से हमने पूरी इमेज बनाई है। तो ये हमारी इमेज हो गई पूरी जिसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ हमारा नेक्स्ट, हम जा रहे हैं फेसबुक के बैनर के ऊपर। तो फेसबुक बैनर में यहाँ पे काफी डिजाइन हमारे पास अवेलेबल रहती है, तो मैं उसको डिजाइन नहीं करूंगी, जस्ट आपको दिखा दूंगी कि इस तरह से उसमें भी आपके पास काफी वैरायटीज रहती है। लाइक सोशल मीडिया के लिए है तो आप यहाँ जाके कवर्स में जाके आप ले सकते हो कौन कौन से फेसबुक के कवर पेज आपको लेने हैं, तो यहाँ पे आपके पास इसमें भी ऑप्शन मिल जाते हैं, काफी ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको किस तरह से यूज करना है वो। और उसके बाद लास्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ लिंक्डइन का बैनर, वो भी अभी आजकल जो भी बिजनेस का पर्पस होता है उसी पर्पस के हिसाब से सब लोग अपना अपना कवर डिजाइन करते हैं, बैनर यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिंक्डइन बैनर पे क्लिक करते हैं और लिंक्डइन बैनर आपकी जो भी डिटेल्स होती है उसके अपने आप साइज भी हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बैनर की साइज पता नहीं है, बट कैनवा ने ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, जिस जिस का बैनर या जिस जिस की डिजाइन आपको चाहिए उसी तरह की डिजाइन उसी साइज में आपको मिल जाएगी। तो सिर्फ आपको एडिट करना है या ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपकी डिजाइन रेडी हो गई, उसको डाउनलोड कर दो और वॉट एवर प्लेटफॉर्म पे आपको अपलोड करना है वही प्लेटफॉर्म पे जाके अपलोड कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने दो लड़कियों वाला लिंक्डइन बैनर लिया है, यहाँ पे हम हमारा नेम लिख सकते हैं और उसके बाद इसको हमें निकालना है, इसको यहाँ पे ऐसे डालना है, तो हम इस तरह से पूरा बैनर बना सकते हैं और डाउनलोड कर देंगे। और इसके बाद आपको लिंक्डइन पे ऐड करना है तो आप पूरा बैनर को ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप पूरे कैनवा का यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जाके कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और हाँ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। और मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।